साडा एपिसोड एयर हो गया, हमारा एपिसोड आ गया, दोनों लैंग्वेजेस में बोलूँ, हमारा एपिसोड आ गया जी उडारियाँ का कलर्स पे 7 बजे से मंडे टू सैटरडे जैसे हमने प्रॉमिस करा था। और आज हमारा पहला एपिसोड आया और जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं आपकी रिपोर्टर सरगुन मेहता आपको ये बताने जा रही हूँ कि मुझे वो एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मुझे डिसाइड करना था अपने लिए। बाकी हमारी कास्ट यहाँ पे है, तेजो, जैस्मिन, फ़तेह यहाँ पर हैं और रवि दुबे हमें बताएंगे कि उनको ये एपिसोड कैसा लगा और उन्हें ये सब कैसे लगे। चलो यार, मैं तो गलत बंदा हूँ पूछने के लिए, आप बताओ आपको कैसा लगा। किवें तो लग गया जी थोनों एपिसोड ऐसे बहुत लोग वेरी नाइस वेरी नाइस किसी ने वेरी नाइस सब यहाँ बहुत वेरी नाइस बहुत एक्साइटमेंट है जी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, पहली बार है जो पंजाब में कम्प्लीटली शूट हो रहा है शो और बार बार मैं ये कह रही थी कि हम आपको फ्लेवर देना चाहते हैं, पंजाब का फ्लेवर देना चाहते हैं। और आज जब आपने एपिसोड देखा, आई एम श्योर दैट यू अग्री विद मी कि जो जो चीज़ें मैं आपसे प्रॉमिस करी थी वो आज आपने एपिसोड में देखी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था हमारे आसपास इतने सारे लोगों की ऐसी कहानियाँ थी। आप हमेशा अपने आसपास की कहानियाँ देखते हो और आप उनसे इंस्पायर होते हो, हमने ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी देखी तो हमें लगा कि ये वो कहानी है जिससे लोग रिलेट कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कनाडा जाने वाले की कहानी नहीं है, सारे किरदारों की अलग अलग कहानी है। हमने हर जो पहलू है वो रखने की कोशिश करी है, एक वो जो पंजाब से प्यार करती है, एक वो जो कनाडा से, और एक ये आशिक हमारे जैस्मिन से प्यार करती है। जी मैं यहीं खड़ा हूँ जी, सॉरी सॉरी, वो मुंह चुगा ली ना दूसरे एक प्रोजेक्ट के लिए। एक्चुअली लास्ट मिनट तक, हाँ लास्ट मिनट तक सी कि इन्होंने नहीं आना आज सवेरे जब आए, देन वी वर लाइक थैंक गॉड आ गया। What do you want to say about Udariya Badi? Go! I don't think it is my space. Haan ji? I don't think it's my space to say anything. Yeah, now the I think it's their space. It's Priyanka's, Isha's and Ankit's place to say whatever they want to say. It's their show. They are the backbone of the show. Ab inhone hi chalana hai sab kuch. To mere khayal aap logon ko ki kya kya umeedein hain Udariya ke saath? Is this truly a flight of your dreams? You should tell that to the public. Ye actually इन लोगों ने भी एपिसोड पहली बार आज देखा है और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी। हम यहाँ से स्टार्ट करें, आपको कैसा लगा आपका पहला एपिसोड? कल इनका एक्सीडेंट भी हुआ, नया नया इधर आ जाओ। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स यार, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं कुछ देख के मेरी आंखों में आंसू आए हों, वैसे मैं इतना इमोशनल हूँ नहीं, बट लाइफ में पहली बार लव जी, लव ट्राइंगल, एज आई ऑलवेज से दैट द स्टोरी इज़ नॉट अबाउट लव ट्राइंगल, लव ट्राइंगल इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट ड्रीम्स ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर। वो लव ट्राइंगल बन जाता है या नहीं बनता है उसके लिए देखते रहिए उडारिया, बट दैट्स ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैं तो दोनों के नाम सेम अमाउंट ऑफ टाइम जी, मैं तो जी दोनों के नाल बराबर बराबर टाइम, क्या है दोनों में से कोई दुखी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, एक का नाम ले, एक का नाम ले। मैं एक्चुअली अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जो मुझे फिलहाल मिल नहीं रहा है, बट इनको मैं थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ टाइम। जी जो आपको कैसा लगा पहला एपिसोड? तो पहला एपिसोड देख के मुझे एक्चुअली, जैसे सरगुन मैम और रवि सर ने कहा था कि जो पंजाब की खुशबू हमें चाहिए थी उडारिया में, वो दिखी। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा पंजाब का भी और जो कैरेक्टर्स थे सब काफ़ी अच्छा लग रहा था, और खुद को देख के आई वाज सो हैप्पी। और ऑफ कोर्स इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसकी आंखों में भी आंसू थे, इन दोनों को देख के वाज लाइक कि मैं तेजो हूँ, मैं इनको संभालूंगी, मुझे रोना नहीं है, तेजो बी स्ट्रांग। सो या आई वाज सो हैप्पी, थैंक यू सो मच सरगुन मैम, रवि सर, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तो इस बात से बहुत खुश थी कि मुझे पंजाब जाना है, मुझे पंजाब इतना पसंद है, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे पहले आती रहती थी फॉर म्यूज़िक वीडियोस,
सो आई यूज़ टू लव पंजाब. जब मुझे मौका मिला कि पंजाब में शूट है और पता चला कि सरगुन मैम और रवि सर शूट करने वाले हैं, तो मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी एंड आई यूज़ टू लव देम. बहुत पसंद है मुझे. हाँ मुझे बहुत इनका किस्मत सॉन्ग मैंने देखा था और रवि सर, और जब भी मैंने अवार्ड शोज़ में इनको देखा है और हमेशा सर अपना क्रेडिट, अपने अवार्ड का क्रेडिट सरगुन मैम को देते हैं. सो आई यूज़ टू लव दीज पीपल एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ चलो मैं आई एम श्योर कि ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, इनके साथ काम करूँगी तो आई एम गोना लर्न अ लॉट और विच इज़ ट्रू. मैं एक्चुअली बोलते बोलते भी आई गेस मैं इमोशनल हो जाऊँगी बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल टू मी. आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग इमोशनल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रवि सर, सरगुन मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और कैरेक्टर के बारे में तो बहुत ही फन लविंग और बहुत ही बबली कैरेक्टर है, जैसा कि आपने देख ही लिया है आपने फर्स्ट एपिसोड में. तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है लिटरली जैस्मिन का कैरेक्टर करते हुए, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी मैच करती हूँ जैस्मिन के साथ. मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत मस्ती करती हूँ, सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती आई गेस मैं ही करती हूँ और फिर डांट भी सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ती है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.